हेलो यूवान, वेलकम बैक टू 360 प्रॉपर्टी व्यू। अलग लेवल ये प्लानिंग होने वाली है, प्लॉट साइज भी आपको काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ये वीडियो आपको किसी डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा, दिस इज एक्सक्लूसिव वीडियो। कॉर्नर प्लस गार्डन फेसिंग पे 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज पर आपको मिलेगा 3 BHK सेमी फर्निश्ड यूनिट। पूरा घर एकदम वास्तु कंप्लायंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन होने वाला है। और वेंटिलेशन की बात करें, हर एक बेडरूम से यहाँ पर आपको बालकनी कनेक्टेड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इतने सारे वाव मोमेंट देखने को मिलेंगे जो इस घर को डिफरेंट बनाता है और इसकी प्लानिंग को काफी डिफरेंट बनाता है। लैविश वॉशरूम सेक्शन, ड्रेसिंग रूम, हर एक चीज काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ यहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फेसिंग की बात करें तो ईस्ट फेसिंग ये घर आपको मिलने वाला है। कॉर्नर की ये पूरी प्लानिंग होने वाली है, प्लस एडिशनल आपको यहाँ पे गार्डन सेटअप भी देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है और जितना घर ये दिन में सुंदर लगता है उतना एलिवेशन आपको रात में भी देखने को मिलता है। बहुत ही मॉडर्न लुक है, डिफरेंट एंगल की प्लानिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी फ्रंट एलिवेशन पे, जिससे पूरा एलिवेशन काफी ब्यूटीफुल लगता है। काफी डिफरेंट एंगल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम स्विच करते हैं इन द नाइट मोड तो एलिवेशन आपको काफी डिफरेंट एंगल की प्लानिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मल्टीपल जगह आपको प्रोफाइल लाइट और फोकस लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिससे फ्रंट एलिवेशन काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको सेटअप देखने को मिलता है। जैसा आप देख सकते हैं एलिवेशन साइड पर आपको 2-way lights, 4-way lights, प्रोफाइल लाइट के वर्क के साथ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड दिस इज अ गुड डिजाइन, गुड प्लानिंग और पूरा यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्नर का भी प्रॉपर आप यूटिलाइजेशन देख सकते हैं एंड फ्रंट साइड का भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज इस घर में देखने को मिलेगा जो आपको दूसरे घर में कम देखने को मिलता है। अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो पूरा स्टेप अप डिजाइन में पूरा फ्रंट एलिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड पे पूरा आपको स्टेप अप डिजाइन के साथ आपको एलिवेशन टाइल का वर्क भी देखने को मिलेगा, जिससे फ्रंट लुक काफी ब्यूटीफुल आता है। अगर हम स्विच करते हैं इन द डे मोड तो डे मोड में भी आपको एलिवेशन काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डे टाइम पर फ्रंट एलिवेशन पर एलिवेशन टाइल्स का वर्क और प्रोफाइल लाइट का वर्क और मल्टीपल जगह आपको बालकनी सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हैवी ग्रिल का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एज ए एलिवेशन डिजाइन, जिससे पूरा जो लुक है काफी ब्यूटीफुल आता है। फ्रंट आपको 20 यहाँ पे मिल जाएगा, डेप्थ आपको 60 स्क्वायर फीट यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्लॉट साइज आपको 1200 स्क्वायर फीट यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे हम फॉरवर्ड जाएंगे तो ओवर द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपके आउटसाइड पार्किंग यहाँ पे आपको कवर्ड देखने को मिल जाती है। काफी सफिशियंट पार्किंग सेक्शन है। वॉल पर आपको एलिवेशन टाइल और 4-way light का वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे फ्रंट लुक काफी ब्यूटीफुल आता है। रोड की बात करें तो 30 feet wide रोड आपको यहाँ पर मिलने वाला है एंड इट इज इन कवर्ड कैंपस कॉलोनी, तो आपको आउटर साइड का भी एक काफी एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। घर की बात करें तो आपको नॉर्थ फेसिंग ये घर मिलने वाला है, मींस कॉर्नर साइड भी देखने को मिलेगा। तो आराम से 2 से 3 कार आपको कॉर्नर साइड पे भी प्लेस कर सकते हैं, इन साइड भी प्लेस कर सकते हैं एंड फ्रंट साइड पे भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्नर साइड आपको काफी सफिशियंट स्पेस मिल सकती है, तो यहाँ पर आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, प्रॉपर पार्किंग सेक्शन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मल्टीपल जगह आपको पूरा बालकनी सेक्शन पे यहाँ पे आपको प्रॉपर लाइट इफेक्ट के साथ बालकनी सेक्शन भी आपको बैक साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिससे क्या होता है ना कि घर काफी ओपन होता है। काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको सेटअप भी देखने को मिलता है। वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट आपको इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड से देखने को मिल जाती है। जैसे हम थोड़ा फ्रंट साइड जाते हैं तो आपको जो मेन एंट्री मिलती है उसके लिए आपको यहाँ पर रैंप मिलने वाला है। क्वालिटी आप रैंप की देखेंगे तो आपको ग्रेनाइट का पूरा रैंप यहाँ पे मिलने वाला है। तो आराम से आपके इनसाइड एंड आउटसाइड पार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल जगह आपको लैंप इंक्लूडेड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और बीच में आपको मिल जाएगा 10 feet wide। हाइटेड की बात करें तो 5 feet hightेड आपको आयरन बेस गेट, काफी प्रीमियम क्वालिटी आयरन बेस गेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, विच इज पेंटेड एज अ क्रीमिश कलर, जिससे फ्रंट लुक काफी ब्यूटीफुल आता है। CNC कट का वर्क आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। जैसे हम घर में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट जो सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपकी पार्किंग सेक्शन। ओवर द राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी आपकी 4-wheeler parking। 7.5x17.5 का ओवरऑल स्पेस होने वाला है, तो काफी सफिशियंट पार्किंग सेक्शन आपको यहाँ पे इंक्लूड देखने को मिलती है। आराम से बड़ी कार यहाँ पे आराम से पार्क हो जाएगी। ओवर द लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाती है आपकी 2-wheeler parking और आपका प्लांटेशन स्पेस। यहाँ पर आपको ओन बोरिंग मिलेगा, ओन स्टोरेज अप टू 6000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ।
यहाँ पर ओवर द टॉप साइड आपको पीवीसी और फोकस लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिससे पार्किंग सेक्शन काफी ब्यूटीफुल लगता है। मीटर बॉक्स आपको कवर्ड यहाँ पे वुडन में देखने को मिल जाएगा। ओवर द फ्रंट पैनल आपको यहाँ पर एक स्टोन वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप आर्ट वर्क रख सकते हैं और एक थीम बेस्ड डिजाइन यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। पूरा ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर है और फोकस लाइट का वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पार्किंग सेक्शन से आपको यहाँ पे दो एंट्री मिलने वाली है फॉर योर इनसाइड होम। आपको लिविंग एरिया के लिए भी और डाइनिंग स्पेस के लिए दो डेडिकेटेड एंट्री यहाँ पे मिलने वाली है। फ्रंट साइड पे अब हम बात करें तो आपको बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट इनसाइड योर लिविंग एरिया सेक्शन। और आपको मिल जाएगा 4x8 के साइज में विनियर की क्वालिटी होने वाली है फ्रंट गेट। यहाँ पर आप डिजाइन देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। प्रोफाइल लाइट का वर्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें नाइट टाइम में पूरा फ्रंट एंट्री काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ एक ब्यूटीफुल इंटीरियर भी शो करती है। प्रीमियम क्वालिटी का हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ब्रॉड थिकनेस होने वाली है, तो काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। जैसे हम घर में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट जो सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपका लग्जरी लिविंग एरिया सेक्शन। काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ काफी बिग साइज लिविंग एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 11.5x16 का ओवरऑल साइज होने वाला है। यहाँ पर भी आपको पीओपी फॉल सीलिंग एकदम डिफरेंट प्लानिंग में देखने को मिल जाएगी। साथ में वेंटिलेशन की बात करें तो आपको बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल जाएगी। हैवी ग्रिल के सपोर्ट के साथ 3 स्लाइडर विंडो होने वाला है। चौखट आपको ग्रेनाइट में देखने को मिलेगी। बैकड्रॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर और पीओपी फॉल सीलिंग के साथ आपको स्ट्रक्चर डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी विनियर की क्वालिटी के साथ। साथ में एडिशनल आपको यहाँ पे सोफा सेटिंग और 2 couches यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलेंगे, जिससे लिविंग एरिया सेक्शन आपको कंप्लीट यूनिट में देखने को मिल जाता है। इन फ्रंट ऑफ डेस्क आपको मिल जाता है ब्रॉड पैनल में आपका एलईडी पैनल सेक्शन। यहाँ पर जो आपको प्लानिंग देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द बैकड्रॉप देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वॉलपेपर का डिजाइन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे पूरा लिविंग एरिया सेक्शन एक यूनिट में देखने को मिलता है। ओवर द टॉप साइड एंड द बॉटम साइड आपको वुडन स्ट्रक्चर की प्लानिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी स्टोरेज के साथ। एंड दिस इज ओवरऑल लिविंग एरिया सेक्शन जो काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। जैसे हम थोड़ा फॉरवर्ड जाएंगे तो आपको एक अनदर सेटअप यहाँ पे मिलने वाला है फॉर योर डाइनिंग स्पेस। आपका अनदर साइड होने वाला है आपका टेम्पल स्पेस। ओवर द राइट हैंड साइड जो आपको सेकेंड एंट्री मिलती है वो आपको डाइनिंग स्पेस से कनेक्टेड देखने को मिलती है। इन केस कोई रिलेटिव आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो दोनों एंट्री का आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। डाइनिंग सेटअप की बात करें तो काफी सफिशियंट साइज से 12.5x16 का ओवरऑल साइज में काफी सफिशियंट वन आपको मिलने वाला है। पीओपी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगी। वॉल डेकोर की बात करें तो ओवर द वॉल साइड आपको एल्पाइन डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो काफी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 6 seating ये डाइनिंग स्पेस ये होने वाला है। पूरी चीजें आपको जैसी दिख रही है वीडियो में वैसी की वैसी मिलने वाली है, कुछ भी अनकवर नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आपको प्रॉपर न्यू पेटी पैक यहाँ पे मिलने वाला है। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको एक एडिशनल यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाला है एज अ कॉम्बिनेटेड डिजाइन ऑफ योर डाइनिंग सेटअप। पूरा जो स्टोरेज है आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर यूटेंसिल्स और अदर पर्पस के लिए। बैकड्रॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर का टेक्सचर डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे पूरा जो डाइनिंग सेटअप है आपको कंप्लीट यूनिट में देखने को मिल जाता है। जस्ट जैसे हम एंट्री लेते हैं उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे टेम्पल स्पेस यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ सफिशियंट स्पेस ये होने वाला है। आराम से बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5x5 के अराउंड यहाँ पे स्पेस मिलेगा। पीओपी फॉल सीलिंग के साथ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन में यहाँ पे गणेशा जी की थीम देखने को मिल जाती है। 4x8 का यहाँ पर आप गेट प्लेस कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू। तो आपका हर एक चीज आपको एक डेडिकेटेड स्पेस के साथ आपको एक सेपरेट सेक्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे हम फॉरवर्ड जाते हैं तो ओवर द राइट हैंड साइड आपका स्टे केसेस आ जाता है। एंड उसके आगे जाते हैं तो आपको मिल जाता है आपका मॉडुलर किचन। मॉडुलर किचन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिल जाएगा। इन मल्टीपल जगह आपको विंडो सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज कॉर्नर वन। फॉरवर्ड जाएंगे तो ओवर द फ्रंट साइड आपको यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ओवर द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको 2 dedicated प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जो आपका लिक्विड एरिया और ड्राई सेक्शन देखने को मिलता है। डेडिकेटेड स्पेस होने वाला है आपका रेफ्रिजरेटर के लिए, जो आपको प्लेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि क्या होता है ना कि मॉडुलर किचन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ग्रेनाइट की क्वालिटी में देखने को मिलेगा। जो आपको स्टोरेज मिलने वाला है वो आपको टैंडम की क्वालिटी में देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज सॉफ्ट क्लोजर वन। काफी प्रीमियम क्वालिटी का वर्क आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। मल्टीपल कैबिनेट्स ओवर द बॉटम साइड आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट साइड में देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको एडिशनल यहाँ पे चिमनी भी मिलने वाली है, जिसका डग आपको वॉश एरिया से कनेक्टेड देखने को मिल जाता है। इन बिटवीन बात करें तो आपको जो वेंटिलेशन की बात कर रहा था मैं, कॉर्नर से कनेक्टेड यहाँ पे आपको विंडो देखने को मिलती है।
एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको टाइल का वर्क देखने को मिल जाएगा। कैबिनेट के अंडर आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का वर्क देखने को मिल जाएगा, जिससे प्योर थीम भी बेस्ड होती है और आपको प्रोफाइल लाइट से एडिशनल लाइट्स का इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवर द लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा आपका ड्राई एरिया सेक्शन, ये आपका डेडिकेटेड होना है फॉर द ओवन, मिक्सर और अदर पर्पस के लिए भी। कैबिनेट्स आपको ओवर द टॉप साइड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, बॉटम में भी प्रॉपर आपको स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सफिशियंट स्टोरेज आपको फ्रंट साइड बैक साइड दोनों यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। साइलेंट सिंक मिल जाएगा आपको लिक्विड एरिया सेक्शन पे, मल्टीपल टैप मिल जाएंगे फॉर द हॉट वाटर कोल्ड वाटर, जगवार की फिटिंग होने वाली है, ओवर द स्क्रीन आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन आपको वॉश एरिया से कनेक्टेड भी देखने को मिलता है, कॉर्नर से भी कनेक्टेड देखने को मिलता है। अगर आप लाइट बंद भी कर देंगे ना तो डेफिनेटली इतनी रोशनी आने वाली है कि आप प्रॉपर हर एक चीज यूटिलाइज कर सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो वॉश एरिया 7x5.5 का मिलने वाला है, सफिशियंट स्पेस है, आप वॉशिंग मशीन और अदर पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे इनसाइड योर होम। वॉश एरिया का बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मल्टीपल टैब्स के साथ प्रॉपर आपको यहाँ पे भी बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल जाती है, जिससे कॉर्नर साइड से प्रॉपर सनलाइट आपको बैक साइड से भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एडिशनल बात करें तो बेडरूम से भी कनेक्टेड आपको बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल जाती है। डोमाल की क्वालिटी होने वाली है और हर जगह आपको क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ एक वेल स्ट्रक्चर प्लानिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो वी डन विथ अवर मॉडुलर किचन, चलिए चलते अपने फर्स्ट बेडरूम साइड। जैसे हम अपने फर्स्ट बेडरूम साइड जाते हैं तो आपको एक जो स्पेस मिलता है मीन्स एज अ ओवरऑल पैसेज, यहाँ पर आप एडिशनली यहाँ पे गेट लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका बेडरूम प्राइवेट भी कनेक्टेड हो जाएगा और एक कॉमन वॉशरूम का भी प्रोविजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बेडरूम का जो साइज है काफी सफिशियंट साइज ये होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बेट्रीफाइड टाइल का वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 10x13.5 का ओवरऑल साइज होने वाला है। फ्रंट वॉल पर आपको यहाँ पे टेक्सचर डिजाइन एज अ वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, पीओपी फॉल सीलिंग कंप्लीट और प्रोफाइल लाइट के वर्क के साथ पूरा कंप्लीट यूनिट आपको ये देखने को मिल जाता है। वेंटिलेशन आपको प्रॉपर वॉश एरिया से कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा, हर एक बेडरूम में आपको एसी कनेक्टेड देखने को मिलेगा एज ए एसी कनेक्शन। हर एक बेडरूम में आपको 3x7 का विनियर की क्वालिटी में आपको गेट अटैच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्रीमियम क्वालिटी हैंडल के साथ। जैसे आप फॉरवर्ड जाएंगे तो ओवर द सेम फ्लोर आप इसको कह लो कॉमन वॉशरूम, आप इसको कह लो अटैच वॉशरूम के साथ आपको वॉशरूम सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है तीनों प्रोविजन के साथ। फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स का वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफी सफिशियंट स्पेस है, ग्रेनाइट की पूरी चौखट होने वाली है। यहाँ पर भी आपको अटैच यहाँ पे गेट मिलने वाला है जो आपको वाटरप्रूफ मिलेगा। एंड यहाँ पर वेंटिलेशन की बात करें तो आपको प्रॉपर यहाँ पे डक्ट भी दिया हुआ है, तो सफोकेशन और वेंटिलेशन प्रॉपर आपको इस वॉशरूम में देखने को मिल जाएगा। सो वी डन विथ अवर ग्राउंड फ्लोर, चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर साइड। जैसे हम अपने फर्स्ट फ्लोर साइड जाते हैं तो आपको जो स्टे केसेस का डिजाइन और एकदम ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो देखने को मिलता है, जो आपको फर्स्ट जो रेलिंग यहाँ पे मिलने वाली है आपको सागवान में देखने को मिलेगी, पूरा जो कवर है वो आपको टफन ग्लास में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको सेटअप देखने को मिलता है। ग्रेनाइट में बेस्ड आपको यहाँ पे टप्पे मिलने वाले हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहा है स्टे केसेस पे, तो मल्टीपल जगह आपको विंडो सेक्शन यहाँ पे आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाएंगे। एंड जैसे हम अपने फर्स्ट फ्लोर साइड जाते हैं तो आपको जो फर्स्ट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका लॉबी स्पेस, काफी सफिशियंट स्पेस होने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर आप सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। वॉल पर आपको यहाँ पे वॉलपेपर का टेक्सचर डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है और रियल में आप देखेंगे तो यू गोइंग टू लव दिस ओवरऑल डिजाइन। इस लॉबी स्पेस से कनेक्टेड आपको मिल जाएगी आपकी बालकनी सेक्शन, हैवी ग्रिल के सपोर्ट के साथ एज अ सिक्योरिटी प्रोविजन आपको एडेड यहाँ पे देखने को मिलता है। डोमाल की क्वालिटी होने वाली है एज अ स्लाइडिंग विंडो, जो अगेन अ क्वालिटी प्रोडक्ट है। और जैसे आप अपना वन स्टेप अप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपके बालकनी सेक्शन, काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ एकदम बढ़िया सेटअप आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। रेलिंग के साथ आपको टफन ग्लास का वर्क देखने को मिल जाएगा ओवर द कवर साइड। यहाँ पर ओवर द टॉप साइड की बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग में आपको पीवीसी का वर्क देखने को मिल जाएगा, फोकस लाइट का वर्क देखने को मिल जाएगा, जिससे बालकनी सेक्शन काफी ब्यूटीफुल डिजाइन में आपको सेटअप देखने को मिलती है। ओवर द सेम फ्लोर आपको मिल जाता है आपका सेकंड बेडरूम, दिस इज अगेन अ बिग साइज बेडरूम बिकॉज 1200 स्क्वायर फीट का साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज आपको एक बढ़िया साइज में देखने को मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे पीओपी फॉल सीलिंग एकदम अलग प्लानिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी प्रोफाइल लाइट के वर्क के साथ। फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको लाइट्स इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अगर मैं स्विच ऑफ करता हूँ लाइट्स तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको फ्रंट साइड से भी देखने को मिल जाएगा बिकॉज बालकनी कनेक्टेड है। फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पे बना रहेगा,
तो बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाएगी डोमाल की क्वालिटी के साथ। एडिशनली आपको यहाँ पे डेकोर भी देखने को मिलता है, जो आपको वॉल सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिससे पूरा बेडरूम एक अलग लेवल की प्लानिंग में आपको देखने को मिल जाता है। इस बेडरूम से कनेक्टेड आपको दोनों चीजें मिलने वाली है, आपका ड्रेसिंग स्पेस एंड योर वॉशरूम सेटअप। दोनों स्पेस का साइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका ड्रेसिंग सेक्शन होने वाला है, आप यहाँ पे कवर्ड वगैरह और बाकी की चीजें सेटअप कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ दिस आपको मिल जाएगा आपका अटैच वॉशरूम, यहाँ पर आपको सिंक, कमोड एंड शावर सेक्शन तीनों चीजें इंक्लूडेड यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स का वर्क ओवर द वॉल साइड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, काफी प्रीमियम वॉशरूम है। जब आप रियल में ही चीजें देखेंगे, यू डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस ओवरऑल प्रॉपर्टी। डग आपको टेरेस साइड से कनेक्टेड देखने को मिल जाता है, साथ में एडिशनली यहाँ पे आपको जो टफन ग्लास है वो आपको स्लाइडिंग विंडो में यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल जाता है, जिससे बेडरूम प्लस अटैच वॉशरूम काफी लग्जरी और काफी डिफरेंट प्लानिंग में आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज द ओवरऑल पैसेज बिटवीन द सेकंड बेडरूम एंड द थर्ड बेडरूम। जैसे आप इस साइड जाएंगे तो एक अलग फील और एक अलग डिजाइन के साथ आपको डेकोर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज योर थर्ड बेडरूम, जो काफी बड़ा होने वाला है और इट इज मास्टर वन। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक चीज आपको डिफरेंट एंगल में देखने को मिलेगी। फर्स्ट, ये बहुत सफिशिएंट साइज है, काफी बड़ा बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पीओपी फॉल सीलिंग और पूरा जो स्ट्रक्चर डिजाइन है अलग लेवल का होने वाला है प्रोफाइल लाइट के वर्क के साथ। फ्रंट साइड पे आपको वॉलपेपर का टेक्सचर डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे पूरा जो सेटअप है एकदम कंप्लीट यूनिट में देखने को मिल जाता है। इस बेडरूम से कनेक्टेड आपको एडिशनल बालकनी सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, बिकॉज इट इज कॉर्नर वन, तो हर एक सेक्शन पे आपको एक अलग लग्जरी भी फील होगा और वेंटिलेशन के साथ आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर हर बेडरूम में आता रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए तो काफी सफिशियंट बालकनी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पीवीसी और टॉप पूरा देखेंगे तो फोकस लाइट के वर्क के साथ देखने को मिल जाएगा। रेलिंग आपको आयरन में देखने को मिल जाएगी टफन ग्लास के वर्क के साथ, जिससे बालकनी सेक्शन काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। हर एक बेडरूम में आपको बालकनी कनेक्टेड देखने को मिलेगी G+1 से कनेक्टेड, और इस बेडरूम में भी आपको अटैच मिलने वाला है आपका ड्रेसिंग रूम एंड योर वॉशरूम सेक्शन। दोनों का जो साइज है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो ड्रेसिंग है वहाँ पर आप कबर्ड सेक्शन इंक्लूडेड कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ दिस आपको मिल जाता है लैविश वॉशरूम एरिया, शावर सेक्शन, सिंक एंड कमोड तीनों चीजें आपको यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिल जाती है। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स का वर्क देखने को मिल जाता है। डग आपको टेरेस से कनेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो आपको विंडो मिलने वाली है एज अ ग्लास पैनल, एज अ स्लाइडिंग विंडो आपको यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल जाएगी। सो वी डन विद अवर G+1 तक प्लानिंग। ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक डेडिकेटेड गजीबो सेटअप यहाँ पे मिलने वाला है, बिकॉज हर एक एंगल से, हर एक डिफरेंट प्लानिंग से, हर एक चीज आपको एक यूनिक टेक्सचर डिजाइन में देखने को मिलेगी एज अ प्लानिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, और बढ़िया यूनिट है। कॉर्नर के साथ आपको गार्डन फेसिंग एक घर मिलने वाला है 1200 स्क्वायर फीट पर, 3 BHK सेमी फर्निश यूनिट, सोफा वगैरह इंक्लूडेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कवर्ड कैंपस लोकेलिटी में। पूरा जो स्पेस है पूरा कोपा किया हुआ है, वाटर फिक्सड किया हुआ है, पानी का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ पर आपको टेरेस सेक्शन में प्रॉपर यहाँ पे गजीबो सेटअप देखने को मिल जाता है एंड ब्यूटीफुल लाइट्स के साथ। जब आप रात में ये चीजें देखेंगे तो आप डेफिनेटली दीवाने हो जाएंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है तो प्लीज कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, वी डेफिनेटली गोइंग टू मीट एंड डिस्कस फर्दर। मिलते हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।